उइजी अलमेद एकदम की पर्ची नामे हूँ बनर सर्वनाम थिथड़ाना अलमेद गही अड्डानू नन्ना कथा बना दीम अलमेद तली मलता नामे गही अड्डानू उइजी कथा बनन उइजी अलमेद बनर मलता पर्ची नामे हूँ बनर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं अथवा नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं जैसे बुधवस स्कूल का दस आस लुर आल मानूस, इसन आस जुड़करी ईद के उजी अलमेद मंगरस पाही कालापोलोस इनिर का आस कोडे मलकस इसन आस उलमेद हकी इबड़कथा कथानु बुधवस अरा मंगरस गही उइजी आस कथा तुड़की रही आउंगे आस उइजी अलमेद तली इन वाक्यों में बुधवस तथा मंगरा के बदले आस जिसको हिंदी में वह बोला जाता है लिखा गया है अतः आस सर्वनाम है उजी अलमेद गही मधे सर्वनाम के भेद कुड़ू कत्थानु उइजी अलमेद बरन बरन गही मनी पहला आल उजी अलमेद पहला आल उजी अलमेद जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम या फिर पुरुष सर्वनाम कहा जाता है एका उजी अलमेद ती तिंगू मीनू आरा नेखे कथन नखन आ लगनर आ कथन अख्तारी आ कथन आल उजी अलमेद ब अनर आ कथन इंद्रा बनर आल उजी अलमेद बनर जिस सर्वनाम से कहने वाला सुनने वाला तथा जिस विषय में कहा जा रहा हो उसका बोध हो उससे पुरुष वचक सर्वनाम कहते हैं जिस सर्वनाम से कहने वाला सुनने वाला तथा जिसके विषय में कहा जा रहा हो उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे उदाहरण एन जिसको हिंदी में मैं एम हम सब नाम हम लोग नीन तुम नीम जिसका अर्थ होता है तुम लोग आस व आर वे आद वह स्त्रिंग स्त्रिंग में जिस आद माने इंद्रामणि वह वह, हूर, वे, इस, ये, ईर ईर का हिंदी मीनिंग क्या होता है ये लोग गुट्ठी आल उजी आलमेद मुंद मधे मनी पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं बा उजी अलमेद एकदान जे के हिंदी में बनार उत्तम पुरुष मिनु मिनु उजी अलमेद मध्य पुरुष बनर और नन आल उजी अलमेद एकदम अन्य पुरुष बऊ अलमेद उत्तम प्रूस एन जिसको हिंदी में बोजा, बोला जाता है मैं एम जिसको हिंदी में हम हम सब नाम जिसका हिंदी अर्थ होता है हम लोग एंग है हिंदी में इसको मेरा एम हैं हम सबका एमन हम सबको इबड़ा रह के उजी अलमेद। जिसको हम लोग उत्तम बोलते हैं नंबर उजी अलमेद मीनू उजी अलमेद जिसको हम लोग हिंदी में मध्य पुरुष बोलते हैं जैसे नीम जिसको हिंदी में तुम नीम तुम लोग नीम हैं तुम सबका निंग है तुम्हारा निमन तुम सबको ये सब सब मिनू उजी अलमेद है जिसको हम लोग मध्य पुरुष बोलते हैं नन आल उजी अलमेद अन्य पुरुष नन आल उजी अलमेद जैसे आस वा। जो पुरुष में आता है आद वह स्त्री हुस वह पुरुष हुद वह स्त्रीलिंग में यह यूज होता है जिसको प्रयोग होता है आर वे हूर, वे निकट इस यह पुरुष मीनस पुरुष वाचक में यह आएगा ईद यह स्त्रीलिंग में आएगा ही होरमार सब लोग होरमार का हिंदी मीनिंग क्या होता है सब लोग जमर सब लोग जमर सबलोग या पुरुष वाचक में आएगा जमेर सब लोग यह स्त्रीलिंग में आएगा उइजी अलमेद ही दूसरा नंबर ई सुपट तिंगू उइजी अलमेद सुपट तिंगु उइजी अलमेद जिसको हिंदी में निश्चय वाचक सर्वनाम बोला जाता है क्या बोला जाता है निश्चय वाचक सर्वनाम उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे हृदय हेदे गे जिसको बोलते हैं हेद्य गे जिसका अर्थ होता है निकट के लिए और गेच्छा के मीन्स दूर के लिए एक निश्चय मीन्स एक सुपठ तिंगू मीन्स एकदम फिक्स बताए फिक्स पॉइंट को इंडिकेट करे उसको क्या बोलेंगे सुपठ तिंगू उजी आलमेद जैसे ईसीम इसको हिंदी में या आसीम वही ये दूर के लिए यूज हो रहा है गिच्छा की प्रयोग मना लगी ईरीम यही आरीम वही इसीन इससे हुसीन उससे इरीम यही हुरीम वही इब्राज में इत्यादि उइजी अलमेद ही तीसरा नंबर नंबर इ धकचुक तिंगु उइजी अलमेद धकचुक तिंगु उइजी अलमेद एक जान जाके अनिश्चय सर्वनाम हूँ अनर हिंदी में इंद्र बनर आ सर्वनाम एन कथा सुपट कथन मल तिंगी आदि उदाहरण के ने कौन यहां पर कोई निश्चय नहीं है इसलिए क्या है अनिश्चय सर्वनाम ने तंग है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं किसने एवंदा कितना इंद्रा क्या एकदा कौन नेका किसको इत्यादि ये सब सब क्या है धक्सुक तिंगू उइजी अलमेद जिसमें अनिश्चय का बोध हो रहा है अनिश्चय वाचक का क्या हो रहा है बोध हो रहा है चौथा नंबर मेन्ना खोजना तिंगू उइजी अलमेद मेन्ना खोजना तिंगू उइजी अलमेद जिसको हिंदी में बोच बोला जाता है प्राशन वाचक सर्वनाम प्राशन वाचक सर्वनाम ईद मेना खोजना अख्त मेना खोजना तिंगु अलमेद इंद्रा नख्त मेना खोजना नख्त उदाहरण के होत इन्ने बेसे ने काउन एक जिसको हिंदी में बोला जाता है किसने एक किसने स्त्रीलिंग इंद्रा क्या एकासे एकाज गो एकाश माला इस इंद्रा बनार एकाज गो किधर एक्सन कहाँ एका से कैसे इकला कब एकाबारी किस दिन इत्यादि पांचवा नंबर नंबर ई जोड़ का उइजी अलमेद का उजी अलमेद, अलमेद। एकदम जे की हिंदी ने बनार संबंध वाचक सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम एने वैसे जैसे एग्जाम्पल हो नाम नलख माल आर कीड़म सार और नलख माल आर कीड़म सार ओर इसन आर आर एन्द्र के जोड़का उइजी अलमेद आर एन्द्र के जोड़का उजी अलमेद दूसरा निरोध कत्थन माल मेनोर आर अफायतनु खत्र ओर कत्थन माल मेनोर आर अफायतनु खत्र ओर आर आर इसान दुयो कथन जोड़ आली आंगे दिन इंद्राब जोड़ का उइजी अलमेद माल पढ़ और आर फेल मनोर इसान आल आर जो हके के आध के जोड़ का उइजी अलमेद इबड़ा जोड़ का कथा ही के इबड़ा जमा इंद्रा के जोड़ का कथा है के छठवां नंबर तंगानिम

एन इंग खेड नु इजका एन इंग खेड नु इसन का जो हके इंग जो है रहके के तिंगु तिंगू उजी अलमेद नीन निंग है नलखान अख ताम है चीजन ताम अखोर नीन निंग है नलखान आह ताम है चीजन ताम अखोर इसन निंग है और इ इंद्र के तिंगु ंगू इध के अक् नामेद गही नलक ही बारे में थोड़ा सा एक जान एकदि नाम हिंदी में बदत सर्वनाम के कार्याद नामेन दोहड़ा मालची सर्वनाम नामों की आवृत्ति से बचाता है जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं नींद पढ़ोए होले रमेश आल बन ओए नींद रमेश आल बनोगे? दूसरा उजी अलमेद आरा बुझाबी सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है उदाहरण के हो दत्त हिदे के जिसको हिंदी में बोलते हैं नजदीक गिच्छा के जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दूर के लिए इसन, असन इसन का हिंदी क्या होता है यहां और असन का हिंदी मीनिंग क्या होता है वहां ईद या हूद वह इत्र इधर को बोलते हैं और अत्र उधर को इत्यादि सुपट आरा धक्चुक अख्ती उजी अलमेद हिनालख निद्रा नंबर पर इस सुपट आरा धक्सुक अख्त निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है जैसे सुपट और इस धक धक्सुक इबर मीनस ये ने कौन इस ये ने कौन नेकम ईरी ये ही नेकम किसने इस गे इसके लिए ने नेका गे किसको या फिर किसके लिए इन्ना आज इकला किस दिन अक्कुन अभी एकाबारी किस समय कब उजी अलमेद महबा आरा माल महबा माल बहान इंद्रावनर बनार बदनाम हो बनार बदनाम හු අහතිී විජ අල්මෙද මහබ අර මල් මහබාන් හුන් අහතිී එන්නේ බෙසේ උදරන් හොදත් නීනක් දයි. නීන බඩාක්දයි. ඒන නනෝන් ඒනිම් නෝන්